ये तो कोई बड़ा आदमी लगता है यार। अबे देसी तू यार, आज तो पूरा दिन हो गया, बोर हो गए, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अबे यार पहले बताना चाहिए था ना, चल उस देसी गवार के पास चलते हैं, वही खेतों में लगा होगा, उसी के मजे लेंगे आज। सही है। ख्याल रखे से मारा लाड करे दादा बूढ़ी माँ, बापू की हो मुझ करे ख्याल रखे से मारा लाड करे। अबे देसी क्या चल रहा है? अबे इसका क्या चलेगा, इसकी तो जिंदगी धक्के से चल रही है। अरे भाइयों तुम लोग बता तो देते, तुम लोग आ रहे हो? बताते क्या, कबूतर को चिट्ठी लेके भेजते, तेरे पास फोन होता तो बताते भी। कोई नहीं बैठो तुम लोग। लो भाइयों पानी लो। कुएं का पानी पियेंगे हम। इतने टाइम से तू हमारे साथ है, फिर भी तुझे अपनी और हमारी औकात में फर्क नहीं दिखा। भाई एक दिन मेरा भी आएगा, मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। तुम जैसे देसी गवार आदमियों की सिर्फ खेती करने की औकात है, बड़े बनने के सपने मत देखो। अबे चल यार क्या मुंह लग रहा है इसके। अरे रुक एक मिनट, हम तुझे सिर्फ इतना बताने आए थे, हम दोनों की जॉब लग गई आगे तो एमएनसी कंपनी में। अरे वाह भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है यार, मुबारक हो तुम दोनों को भाई। हाँ हाँ बस ठीक है, इसके लिए हमने कल पार्टी रखी है, तुझे शाम 5 बजे लेने आएंगे, तैयार मिलना। चलो इसी बहाने इसे अपने स्टैंडर्ड की पार्टी देखने का मौका मिल जाएगा। हेलो हेलो। हाँ जी यार, रेडी है क्या? हम तुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं। हाँ मैं तो तैयार हो गई यार, बट प्लीज पार्टी में अपने उस देसी गवार दोस्त को मत लाना। अरे यार अब हमने उसको बोल भी दिया। यार मुझे कुछ नहीं पता, तुम खुद देखो। भाई खोलो तो। अबे वो गवार ऐसे जाएगा तो पार्टी में? क्या हो गया भाई? और वैसे भी तुझे अपने साथे जाके हमें अपनी बेइज्जती नहीं करानी, तुम देसी की औकात सिर्फ ट्रैक्टर तो बुग्गी तक है, इस गाड़ी में बैठने की नहीं। सही कहा भाई बिल्कुल। और हाँ हमसे तभी मिलना जब तेरी औकात हमसे मिलने की। भाई बहुत हो गया, दोस्त मानता हूँ इसीलिए सुन रहा हूँ, अब ठीक 2 साल बाद मिलूंगा इसी टाइम इसी जगह एक बड़ा आदमी बनकर। चल चल इस गवार चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, लेट भाई। ठीक है अरे छोटे क्या बात है, कुछ उदास लग रहा है? भाई कल जब मैं यहाँ खेतों में काम कर रहा था ना तो मेरे वो दोनों दोस्त आए थे।
और अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, अब मैं करूँ क्या? देख भाई, बड़ा आदमी बनना है ना तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। मैं तेरी कल नौकरी की बात करता हूँ, इंटरव्यू के लिए चला जाना, ठीक है? ठीक है भाई। हाँ तो बताइए, किस लिए चाहिए आपको ये जॉब? सर मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। वो सब तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ इसके लिए तुम कितना पे कर सकते हो? सर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ नौकरी के लिए क्यों आता? तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ फ्री में जॉब बांटने के लिए बैठे हैं? जाओ निकलो यहाँ से, कहीं और जाकर देखो अपनी जॉब। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं देसी गवार गई गई। अरे वो इंटरव्यू के लिए गया था, क्या रहा तेरा? भाई पैसे मांगते नौकरी के लिए, हमारे पास पैसे तो है नहीं, और ना हमें नौकरी मिलेगी। तो अब तो एक ही रास्ता है भाई। क्या भाई? आईएएस बन जा। भाई कैसी बात कर रहे हो यार, आईएएस बनना इतना आसान थोड़ी ना है, कहाँ होगी मुझसे आईएएस? क्यों नहीं होगी भाई, ज़रूर होगी। आजकल यूट्यूब पे हर रोज़ एक आईएएस बन रहा है, तो एक और सही, तू अपनी मेहनत शुरू कर। ठीक है भाई, कल से पढ़ाई शुरू करता हूँ, मैं करता हूँ कोशिश। जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बंद के कफन जद टुरिया तन के मौत नु बचा मारे वे थर थर कम दे सारे। भाई ये तो कोई बड़ा आदमी लगता है यार। अबे देसी तू? तू नहीं, आप यहाँ के नए आईएएस ऑफिसर हैं ये? अरे ये तो अपना पुराना दोस्त है। तुम लोगों की औकात नहीं है एक आईएएस ऑफिसर से दोस्ती रखने की। शायद तुम लोगों ने देसी को ज्यादा हड़के में ले लिया था। तुम ये भूल गए कि देसी एक ब्रांड था और ब्रांड रहेगा। राम राम। उतार जल्दी फटाफट, चेंज कर इसको। हाँ भाई समझ नहीं आया हुआ क्या यार, आईएएस ऑफिसर बनना मजाक है क्या? आओ फ्लैशबैक दिखाता हूँ हुआ क्या था। भाई मैंने पहले ही बोला था आपको, नहीं होगी आईएएस भाई, मजाक थोड़ी आईएएस बनना, हो गया ना फेल। इतनी रात को कौन क्या फेंक रहा है भाई, मेरे को चोर वोर लगता है कोई। अच्छा अच्छा देख देख, देख, देख।
पैसे। ओ भाई अब बनूंगा मैं IAS ऑफिसर। यस हाँ तो समझ गया क्या हुआ था। अब खरीदने को तो उनकी कंपनी में खरीद सकते थे, लेकिन आजकल ट्रेंड तो IAS ऑफिसर का है, जो बनना मजाक नहीं है। लेकिन हाँ रियल लाइफ में अगर मेहनत करी जाए तो मुश्किल भी नहीं है। जय हिंद।